फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक था कार्बोकैटायंस। अब इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कार्बन आयंस। तो देखिए कार्बन आयंस क्या होते हैं या कार्बन आयंस कैसे बनते हैं। अब कार्बन आयन, अनायन से आपको नाम से तो चल रहा है कि क्या है कार्बन, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो देखिए कार्बन आयन बनने के लिए वही दो कंडीशन जो कार्बोकैटायन में हुई थी, बस एक कंडीशन चेंज होगी। कार्बोकैटायन में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ भी क्या है कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड है यहाँ पे हम एक सी ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, एच एच। अब यहाँ पे एक वाई है हमारे पास, ठीक है, कोई कंपाउंड है। अब हमारे पास देखिए कार्बन आयन कैसे बनेगा, किस अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बन आयन बनेगा। अब ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके कार्बन से और एक से, ये क्या होगा, इसमें जो कार्बन है वो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो ये वाई एटम जुड़ा हुआ है ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस केस में देखिए कार्बन आयन के केस में क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो वाई है वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखिए ये जो वाई है वो यहाँ पे वाई प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, कार्बन आयन बच जाएगा। मतलब कि जो इसके तीन बॉन्ड्स हैं वो तो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड बने होंगे। जो ये तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में होंगे और दो क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्बन आयन आ गया। तो देखिए कार्बन आयन के लिए दो कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है, देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो ऑक्टेट है, जो ऑक्टेट के लिए हम क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कंप्लीट है। तो देखिए कार्बन आयन के लिए दो कंडीशंस, पहला तो क्या है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। कार्बन आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट केस में ये, और सेकंड केस में देखिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कार्बन आयन की उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और सेकंड कंडीशन वही सेम कि इसके अंदर जो ये क्लीवेज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, विट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। मतलब कि ये जो कार्बन है और जो ये वाई है, देखो ये जो कार्बन है और जो ये वाई है, इनके बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है, जो विखंडन हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो कैसा हो रहा है, विषमांश विखंडन हो रहा है या फिर हेटरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या था, इस कंडीशन में जो ये कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और जो ये वाई एटम है ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, किससे, कार्बन से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वही टाइप्स ऑफ कार्बन आयंस देखेंगे, जैसे हमने फ्री रेडिकल्स में किया या कार्बोकैटायंस के अंदर किया, इसके अंदर भी वही थ्री टाइप्स के, तो हम क्या देखेंगे, अल्काइल कार्बन आयन देखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और उसके बाद वही अलायनिक और बेंजाइल। तो देखिए सबसे पहले कार्बन आयंस क्या है, अच्छा देखिए कार्बन आयन क्या है, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है कार्बन आयन, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, वो न्यूक्लियस
कार्बन आयन या फिर वन डिग्री। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो सी एच थ्री माइनस या फिर सी एच थ्री सी एच टू माइनस, ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी कार्बन आयन का। ठीक है, वो मिथाइल कार्बन आयन हो गया और वो क्या हो गया? इथाइल कार्बन आयन। अब सेकंड देखिए, सेकेंडरी तो सेकेंडरी कार्बन आयन या टू डिग्री कार्बन आयन देखिए, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो कार्बन आयन जो है वो कैसे बनेगा, जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कार्बन पर प्रेजेंट होने चाहिए? टू डिग्री कार्बन आयन पर होने चाहिए। ठीक है, कार्बन आयन पे तो देखिए सी एच थ्री सी एच माइनस सी एच थ्री, तो ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन हो गया। और थर्ड देखिए टर्शियरी कार्बन आयन क्या है? टर्शियरी कार्बन आयन थ्री डिग्री, मतलब ऐसा कार्बन आयन जिसके अंदर क्या होगा, थ्री डिग्री वाले कार्बन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, तो ऐसे कार्बन आयन को क्या कहेंगे? थ्री डिग्री कार्बन आयन कहेंगे। तो वही चीज देखिए, तो ये क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल कार्बन आयन। अब देखिए इसकी जब स्टेबल, सबसे पहले उसके बाद हम इसकी बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। तो फ्री रेडिकल्स के अंदर हमने देखा था और कार्बोटाइन के अंदर जब हमने देखा था तो उन दोनों की जो स्ट्रक्चर आ रही थी वो सेम आ रही थी। कौन सी आ रही थी? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ रही थी। लेकिन इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? कार्बन आयन के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस कारण जो ये इसकी जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। देखिए नेक्स्ट क्या है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की हमने क्या देखनी है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है कार्बन आयन की, उसको रिजेंबल किया जाता है, मतलब उसको ऐसा माना जाता है कि वो किसकी तरह होती है? अमोनिया की तरह होती है। और अमोनिया की कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या है? कार्बन आयन के अंदर तीन तरफ तो बॉन्ड है और एक क्या है हमारे पास? लोन पेयर है। ठीक है, देखिए इस कंडीशन के अंदर इस तरह से देखिए क्या होता है। इसके जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? sp3 कार्बन होते हैं। अभी हमें यहाँ पे चाहे एच ले लो, चाहे आर ले लो, चाहे एच ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, लेकिन जो इसकी जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या फिर जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, लेकिन किस तरह की? अमोनिया की तरह। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? इसके कक्षक के अंदर कैसे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं। अब देखिए क्या है, जो अमोनिया होता है उसके अंदर भी क्या होता है? जो उसका बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। किसके कारण? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अब इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है और एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक तो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन और एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। तो जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उनके बीच में रिपल्शन के कारण क्या है? जो इनका बॉन्ड एंगल होता है, वैसे हम टेट्राहेड्रल देखिए हम कितने नाम पर देखते हैं CH4 का, वैसे अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की हम बात करें CH4 की, तो उस केस के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट कितना होता है बॉन्ड एंगल। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, या फिर अमोनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि जो होता है वो 107 हो जाता है। और इस कंडीशन के अंदर जब हमारे पास कार्बन आयन बनता है तो इस कारण भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी ज्योमेट्री होती है वो तो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? सिर्फ 97 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में होता है। और ऐसा किस लिए होता है? उसका रीजन ये है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? लोन पेयर में। ये रिपल्शन की एक सीरीज है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है वो किसमें होता है? लोन पेयर में। उसके बाद लोन पेयर
कंटेक्ट करते हैं, जिस कारण क्या होता है इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना हो जाता है 109 डिग्री से कम होगी, कितना 97 से लेके 100 डिग्री के बीच में हो जाता है। अब देखिए ये इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या है। अब देखिए इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो देखो जब हमने फ्री रेडिकल्स की बात करी थी और जब हम कार्बन आयन को पढ़ रहे थे उस केस के अंदर हमने देखा था दोनों ही केसेस के अंदर जो 3 डिग्री वाला कार्बन था वो क्या था, ज्यादा स्टेबल था एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन कार्बन आयन के अंदर क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है। मतलब कि क्या है, इसके अंदर जो 1 डिग्री वाले जो कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, तो स्टेबिलिटी है इसकी, उसके 3-4 फैक्टर्स हैं स्टेबिलिटी जो हम डिफाइन करेंगे। तो मेनली वो डिफाइन करेंगे वो दो ही कंडीशन है, एक कंडीशन और लेंगे। एक तो क्या है, स्टेबिलिटी जो कार्बन आयन्स की डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर 3 फैक्टर्स लेंगे, एक तो वही रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और तीसरा इसके अंदर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे, जो कार्बन आयन है वो किस तरह के एटम से बॉन्डेड है। तो देखिए इसके फैक्टर्स में सबसे पहला जो स्टेबिलिटी का फैक्टर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन आयन है उसके अंदर 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऐसा क्यों होता है देखो। अब देखिए अब यहाँ पे हम कार्बन आयन बनाते हैं, ये क्या है 1 डिग्री CH3, ये भी 1 डिग्री, उसके बाद देखो R H R, देखो ये क्या है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब देखिए जो मिथाइल कार्बन आयन होता है वो एक स्पेशल केस है, हमें यहां से देखेंगे इथाइल कार्बन आयन है या प्रोपाइल कार्बन आयन या फिर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से देखो क्या होगा, ये CH3 है, अगर इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं तो ये क्या करेगा, उस तरफ कार्बन देगा, तो इस कारण क्या है जो भी जो कार्बन आयन है उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट तो काम करता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। अब माइनस आई इफेक्ट का मतलब कि ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, तो अपने से दूर खींचेंगे, मतलब ऐसे ग्रुप ऐड होंगे। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण देखो क्या होगा, अब यहाँ पे अगर माइनस आई इफेक्ट लगता है तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो CH3 जो इथाइल कार्बन है देखिए अब यहाँ पे क्या है माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या है माइनस आई इफेक्ट की बात करें या प्लस आई इफेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या होगा, कम नहीं होने देगा। लेकिन वहां पे जब जैसे जैसे यहाँ पे कार्बन के और जो क्या है एटम्स जुड़ जाएंगे या ग्रुप्स जुड़ जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या होगा, जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देखिए दो कंडीशन है, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे सी एच के ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, चारों तरफ उसको इलेक्ट्रॉन उसको खींचने की कोशिश करेंगे, इस कारण क्या है स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बिल्कुल ही। अब यहाँ पे तीन तरफ से खींचेंगे, यहाँ पे दो तरफ से, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ से, इस कारण जो क्या है 1 डिग्री का कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किसी कंपैरिजन में 2 डिग्री और
आई फैक्टर में बढ़ेगा, अगर माइनस आई फैक्टर इंक्रीज होगा तो क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए ये तो बात थी इफेक्टिव इफेक्ट की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब ये कह रहा है कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। आपको पता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp डबल बॉन्ड की sp2 और सिंगल बॉन्ड की sp3, ये होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये बोल रहा है कि जो कार्बन आयन होते हैं वो जो 3 डिग्री कार्बन आयन है, और 3 डिग्री के मतलब जो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, 1 डिग्री वाले। मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड जो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा सिंगल बॉन्ड से। देखो ऐसा किस लिए है, ऐसा इसलिए है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा किसी भी कार्बन के अंदर, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही किसी भी कार्बन के पास एस कैरेक्टर। देखो यहाँ पे कितना है, सिर्फ यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 25। ये जो इसका रीजन एक्सप्लेन किया गया तो एस कैरेक्टर क्यों किया गया है, तो देखो यहाँ पे 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर है, और यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है। तो देखो वो कह रहे हैं कि जैसे ही जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही उसकी एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होंगे, उनकी जो एनर्जी है वो कम होगी, और इस कारण क्या है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के क्या होंगे, ज्यादा पास होंगे। तो क्या है कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा किसी भी कार्बन के पास या किसी भी कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर ऐसा कार्बन जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो उस कारण जो उस कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। किस कारण, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे, और इस कारण जो उनकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एस कैरेक्टर ज्यादा जितना उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, कार्बन आयन की। तो उस केस में sp वाले हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, उससे कम sp2 वाले और सबसे कम sp3 वाले। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो सेकंड फैक्टर था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है इसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड इज रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए रेजोनेंस इफेक्ट है वो सेम ही चीज है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और यही केस इसमें था, फ्री रेडिकल्स के अंदर भी था और कार्बन आयंस के अंदर भी था, और कार्बन आयंस के अंदर ये चीज सेम है। तो देखिए पहले बात करते हैं हम बेंजाइलिक कार्बन आयन की। तो बेंजाइलिक कार्बन आयन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है। अब इसकी देखो हमें क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह से देखिए हम स्ट्रक्चर की बात करें किसकी, सॉरी ये बेंजाइलिक ये एलाइलिक है, अलाइलिक क्योंकि क्या है कार्बन के साथ वाले जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, उसको अलाइलिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक कार्बन आयन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, CH2 माइनस। अब वही देखिए इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे पहले माइनस चार्ज आ जाएगा CH2 फिर यहां पे माइनस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो आपको अब तक समझ आ ही चुकी होगी, क्योंकि
ये थर्ड केस हो गया। और इसके बाद दोबारा से हमें तो देखिए इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ रही है, थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ रही है, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा की ऑर्थो में क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है वो गलत हुए, जितना डी होगा इसका इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा उसकी क्या होगी अनुवादी संरचनाएं बनेगी, जितनी ज्यादा अनुवादी संरचनाएं बनेगी उतना ही ज्यादा कार्बन आयन क्या होगा स्टेबल होगा। तो देखिए स्टेबिलिटी के अपने फैक्टर्स की तीन बातें करी कि जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है हमारे पास। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या है, अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो क्या होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो 1 डिग्री कार्बन आयन है वो क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास जो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और ज्यादा एस करेक्टर किसके अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, उससे कम डबल बॉन्ड में, उससे कम सिंगल बॉन्ड के अंदर। और उसके बाद हमने बात करी रेजोनेंस इफेक्ट की, रेजोनेंस के अंदर जो बेंजाइलिक और एलाइलिक हमारे पास कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब ये हम किस बेस पे बताएंगे कि ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है देखो डबल बॉन्ड है। अब हमने बात करी कि जो डबल बॉन्ड वाले हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले से ज्यादा स्टेबल होंगे, तो देखिए इस केस के अंदर जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें ये तो पता है कि डबल बॉन्ड वाले क्या है सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक कार्बन आयंस है वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, अल्काइल कार्बन आयन से, किससे ज्यादा स्टेबल होंगे अल्काइल कार्बन आयन से। लेकिन अल्काइल कार्बन आयन की कंडीशन क्या थी कि 1 डिग्री वाले ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, 2 डिग्री और 3 डिग्री से, लेकिन जो बेंजाइलिक और अलाइलिक कार्बन आयन है वो अल्काइल कार्बन आयन से ज्यादा ही स्टेबल होंगे। और उसका रीजन क्या था, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि उसके डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है करते हैं। तो कार्बीन्स और नाइट्रीन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।